वो लड़की का मैंने फोटो भी खींच दिया था, तो किसी ने उसने मुझे नंबर भी दिया। सही सुंदर है आपका, पर 1500 कितना मजबूत है भैया। नाइट होल कर सकते हो, उसके बाद आप लोग टेन लगा दो ना। बहुत दोस्तों अभी मैं बैठा हुआ ब्रेकफास्ट के लिए, इधर देखो दोस्तों आप कुछ तरह रेस्ट हुए तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, कुछ मंगाया गरम गरम और ठंडा पे, तो इसके बाद यहाँ से लिख लेंगे। बीसी सीधा बैठा हुआ गाना देख रहे हैं। तो दोस्तों अपना मैगी आगे देखो, मैंने उसका बनाया एक कसर मैगी मंगाया, और बीसी का जिस तरह दिखा था बीसी का है वाई वाई के साथ, और बीसी खा रहा है, मैं भी खाऊंगा अब तो। आप खा लेते हैं, ज़्यादा नहीं है मेरा भी, ज़्यादा ही है। गरम गरम दिखा क्या दिखा मैं, तीखा काम है। तो दोस्तों वहां से हम लोग कल ब्रेकफास्ट फ्रेश करके निकल गया, और अपना सफर वापस सिलगुड़ी निकल रहा है, तो आराम से हम लोग जा रहे हैं बिना बाइक ऑन करे, कुछ पेट्रोल जाने रहा है अपना अभी। अब कालिम्पोंग यहाँ से थोड़ा देर में ख़त्म हो जाएगा, आगे कालिम्पोंग का गेट भी आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ का ये रास्ता देखो ना, वाह पत्थर के बीच से बनाया रास्ता, वाह रास्ता बहुत ही खतरा है भाई, तो पत्थर के बीच से फाड़ के बनाया है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग वापस पहुँच चुके हैं मिलिट्री चेक पॉइंट है कालिम्पोंग का। थैंक यू टू विजिट लिखा ऊपर देखो, थैंक यू विजिट अगेन बोला। चलो अभी हम निकलते हैं अपना सिलगढ़ी तरफ। रास्ता में त्रिपेणी का ये ब्रिज है, बहुत कच्चा ब्रिज है देखो, ये बहुत डरावना कच्चा ब्रिज है। ये उस साइड है यहाँ हो नहीं, त्रिपेणी कच्चा रास्ता है पूरा इधर से, तो केयरफुल ड्राइव करना पड़ेगा कच्चे रास्ते में। तो फाइनली आपका भाई पहुँच चुका है त्रिवेणी में, अब इसके नदी के सामने पहुँचेंगे हम लोग, नदी को छुएंगे। रास्ता देखो ना, यहाँ से फटा वहाँ से फटा हुआ है। दोस्तों व्यू चेक करो दोस्तों यहाँ पे, यहाँ से क्या लग रहा है नदी देखो, इतना बड़ा नदी है। तो दोस्तों फाइनली हम इधर पहुँच चुके हैं, अपना बाइक इधर रख दिया मैंने, यहाँ पार्किंग कर चुका हूँ बाइक इधर अपना, तो अभी लेकर चलता हूँ अंदर में, आपको दिखाऊंगा त्रिवेणी में। यहाँ पे कैंपिंग टेंट लोग भी आपको मिल जाएगा। इस तरह कुछ जगह है अभी यहाँ पे, पहाड़ देखो ऊपर में। यहाँ से रास्ता बोट, इस तरह से रास्ता है यहाँ। दुकान इधर सामने से थोड़ा सा दुकान मिल जाएगा आपको जाने से रास्ता पहले। सब फाइनली पहुंच चुके हैं अभी हम लोग भाई, ये देखो इतना सारा टेंट है देखा था भाई, यहाँ से एक टेंट चोरी करके ले जाने से ठीक है, खरीदने के लिए कितना खरीदने के लिए भी ज़्यादा बोलते नहीं, ऐसे टेंट खरीद सकते हो। देखो राफ्टिंग चल रहा है पहले कर रहा था, वहाँ देखा वो पानी में, ये पानी है जो इतना पहले से हम लोग पीछे पीछे कर रहा था, फाइनली पानी में पहुँच चुका है हम लोग। सब टेंट लगा दो ना, वो बहुत मानना पड़ेगा रे, तो पूरा बालू है, समुद्र का बालू जैसा लग रहा है। तो नहीं यहाँ चेक करो, वाह। तो इधर क्या कर सकते हो बोलने से, आप लोग रात में कैंपिंग कर सकते हो, आप लोग नाइट हॉलीडे कर सकते हो, उसके बाद आप लोग आपको सोने खाने का सब कुछ सामान लोग इन लोग देगा, प्रोवाइड करेगा, और आपको सिर्फ पैसा देना सिर्फ, और सब कुछ इन लोग प्रोवाइड कर देगा आपको। देखा किसने आग जला के बैठा हुआ है देखा, नमस्ते सही है। चलो आपको वहाँ से वहाँ तक लेके चलता हूँ। यहाँ देखो कम्बल उम्बल रखा हुआ है, देखो सब कुछ आपको सीडी कम्बल सब कुछ प्रोवाइड करेगा आपको इसमें, टेबल चेयर लोग सब कुछ प्रोवाइड करते हैं खाने पीने के लिए। अगर यहाँ नहा भी सकते हो, कपड़ा वपड़ा लेके आओ, देखो सब इधर दिख रहा है। दामी है, मेरे को बाय बाय बोल रहा था, यहाँ चेक कर रहा है आप ठीक है, इतना बड़ा बोर्ड था देखा, नहीं गिरने का आप लोग इस टाइप का कपड़ा आप लोगों को प्रोवाइड करेगा, लाइफ जैकेट प्रोवाइड करेगा आप लोग इस टाइप का, ये सब लगा के आप लोग को भेजेगा। तो दोस्तों ये बोट है, इसमें आप जा सकते हो, देखो कितना मजबूत है, और ये इतना खतरा सा होता है।
इधर एक नाइट होल्ड करने का कितना मजा आएगा सर ना, ऐसे बोट में घूमने हुआ। मुझे राफ्टिंग वाफ्टिंग करना मुझे इतना शौक तो नहीं है, तो आप लोग का शौक है तो आप लोग आ सकते हो। तो दोस्तों देखो यहाँ पे सब लोग बोटिंग करके आ चुका है, बोटिंग किया लोग, अब ऐसे बोटिंग कर सकते हैं जमें आके। कैंपिंग करने का जगह देखो इतना सारा है, देखो आप लोग कभी भी आओगे तो आप लोग कोई ना कोई मिल ही जाएगा आराम। क्या चल रहा है देखो यहाँ पे, सब वीडियो बनाते रहे हैं लोगों में विशेष। तो दोस्तों इसका प्राइस कितना है करके आप लोगों को मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, वहाँ काउंटर है तो वहाँ पूछ के बताऊँगा आपको मैं। भी भैया यहाँ का बोटिंग का क्या बोलता है, मतलब ये सबका मालिक है, काउंटर का मालिक लोग भैया ये, तो भैया से पूछ लेता है यहाँ का प्राइस किस करके बोटिंग के लिए, तो भैया थोड़ा बता दो ना। आपका बोटिंग का ऐसा होता है पर हेड 200 होता है, ठीक है पर हेड 200 ना, उसमें आपका बड़ा सा तीन दो राउंड लगा देता है, ये पूरा यहाँ से राउंड है मतलब, दो राउंड लगा के आपका वही है हमारा, उसमें आपका लाइफ जैकेट लगा के देगा, लाइफ जैकेट देगा, हेल्पर रहेगा, गाइड रहेगा। और एक और चीज था, ये यहाँ पे जो टेंट लगा था ना इसका भी पता है आपको, इसका आपका ऐसा होता है इसका आपका पर हेड 1500 ठीक है, पर हेड के हिसाब से कि एक टेंट के हिसाब से पर हेड होता है, पर हेड का आपका हमारा सर्विस 4 बजे से स्टार्ट होता है, 4 बजे से नहीं 4 बजे आपको चाय और पकौड़ा मिलेगा, चाय पकौड़ा खाने भी मिल जाता ना, वेलकम टी और पकौड़ा मिलेगा ठीक है। उसके बाद आपको 6 या 7 o'clock आपको बोन फायर और बारबेक्यू मिलेगा ठीक है, उसके बाद रात को डिनर मिलेगा, सुबह में टी और ब्रेकफास्ट मिलेगा और 10 o'clock चेकआउट आएगा आपका, इंक्लूडेड टेंट टेबल चेयर छतरी सब डिनर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड ऑन 1500 सब 1500 के अंदर में हो जाएगा पर हेड का ना। ओके अभी एक आदमी को सिर्फ बैठना बोलने से इसमें वो पर हेड 1500 के एक टेंट ले सकता है, और दो आदमी बैठने बोलने से भी हो जाएगा क्या उसका, मगर पर हेड का लगेगा इंसान का लगता है मतलब ना एक एक पर्सन का। तो ऐसा करके दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा, भैया ने पर डिटेल्स बताया, आपका नाम बता दो भैया। मेरा नाम आर्यन है, आर्यन भैया ने क्या होता, अच्छा डिटेल बताया, थैंक यू भैया आपके लिए हेल्प करने के लिए। हाँ कभी आएंगे तो भैया जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ था इधर पे, तो लड़की लोग चला गया यहाँ से, मजा आ रहा है चित्र के, अभी तो बहुत सारा गर्म, अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, इसलिए हमने जैकेट खोल लिया। यहाँ जो 10 लोग दिखो, वाओ 10 होने वाला, अपना भी कभी कभी इधर आके क्या बोलते हैं, हम लोग भी कभी कैंपिंग करेंगे तो आप लोगों को पता चल गया कैंपिंग का प्राइस कितना कैसे कैसे करके है सब पता चल गया होगा। तो वो लड़की लोग का मैंने फ़ोटो भी खींच दिया था, तो किसी ने उसने मुझे नंबर भी दिया सेंड करने के लिए तो वीडियो भी बना दे वाला उनको, मैं अपने चैनल का नाम बता दूँ, सोचा था बताया नहीं वैसे मैंने, शर्म लग गया ना बताने से, उन लोग क्या बोलता है वीडियो भी उन्होंने देख लेना था, मैंने जो वीडियो बना दिया उन लोग ले। सर अभी निकलते हैं यहाँ से, बहुत टाइम हो गया, अभी कुछ ठंडा खाएंगे इसके भी निकल जाएंगे। तो जैसे इधर मैंने झंडा देखा था, ये अपना वर्ल्ड कप आने वाला है, तो मैंने अपना से भी एक फूल लगाया, कैसे का टुकड़ा दिया मैंने, अभी निकलेगा ना इतना स्ट्रॉन्ग भी डाला इसमें अपना रोनाल्डो का फैन के लिए। तो ऐसे झंडा कैसे लग रहा पता नहीं, झंडा लग गया फाइनली, मैं बोलने से देख ही रहा था कहाँ मिलेगा बोल के, जुमे दोस्तों यहाँ पे हम लोग चेवल लेने के लिए आया था, इंग्लिश में मशरूम बोलते हैं वो लेने के लिए आया था, यहाँ थोड़ा मशरूम सस्ता मिलता है क्या बोलता है सिलगुड़ी के हिसाब से, तो ये मशरूम लेने के लिए आया है, या आपको कितनी बिनी के रास्ता में मिल जाएगा बहुत सारा मशरूम, देखो इतना सारा मशरूम जमा देखो ये। तो दोस्तों हम त्रिवेणी से निकल चुका था और फाइनली अभी हम लोग सिलगुड़ी पहुँचने वाला है, मगर मौसम और यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, आप लोग इधर आओगे ना तब पता चलेगा कितना सुंदर है। और यहाँ से शायद 1 घंटा लेके चलो पहुँचने के लिए हम लोग, इस साइड तो नज़ारा बहुत ही अच्छा है, वहाँ रास्ता देखो भाई इस साइड देखो, सही सुंदर है भाई, डर भी लगता है मगर जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अभी मज़ा है अलग ही है। तो अभी हम लोग पहुँच चुका है इधर पे ऑफ रोडिंग रास्ता पे, वही देखो कैसा ऑफ रोडिंग है, अपना बाइक कैसा परफॉर्म कर रहा है पता चल जाएगा आपको ऑफ रोडिंग में। दोस्तों फाइनली हम लोग ब्रिज के अंदर पहुँच गए, बहुत लोग यहाँ पे जमा होता है, देखो ये ब्रिज फाइनली पहुँच चुके हैं, उस जगह से गए थे हम लोग, तो हम लोग आगे जाना रहेगा, अभी हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं, कल तो रुका था, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, उसके बाद ये खतरा ट्रैफिक लगा देखो ना सब गाड़ी रुका हुआ है,
अपना बाइक ऐसे साइड से निकल जा रहा है, सब लाइन से चल रहा है, डिसिप्लिन के साथ सब है। इसको बोलता है डिसिप्लिन, गाड़ी वाला अपना डिसिप्लिन के साथ घूमता है। ओहो, हमारा डिसिप्लिन ख़राब हो गया इधर पे। अब वो क्या बोलते हैं, जाम शुरू हो जाएगा और साइड पे जो नदी चल रहा था वो बंद हो गया। तो उस्ताद इधर पहुंच चुका है, क्या बोलता है, ये बंगाल सफारी के इधर पे। अब हम सोचते हैं इसके अंदर से जाएंगे। दोस्तों ये ऑफ रोडिंग चेक करो, अभी हम लोग पानी पार करेंगे। पेड़ नीचे नहीं रखना भाई, पहले तो बात उधर है, मगर यहाँ पेड़ नीचे रखना पड़ेगा। अपना जूता खोलना पड़ेगा मुझे तब। तो मैं सर जूता खोल रहा हूँ दोबारा में, नीचे पावर रखना पड़ेगा पानी में। यहाँ का जगह चेक करो दोस्तों आपका भाई का पूरा ऑफ रोड टेस्ट हो रहा है, देखो धूल मिट्टी में सब, देखो कैसा खतरा है। पे बाइक का पूरा ऑफ रोड टेस्ट, लॉन्ग राइड टेस्ट, सब कुछ हो गया इस बार। सब चीज़ मेरे पास है ये, मगर वो है कि कंफर्टेबल इतना नहीं लगा मुझे। भाई को पीछे बैठने में कंफर्टेबल नहीं लगा, बोला सीट का प्रॉब्लम, और चलने से मेरा हाथ क्यों दुख रहा पता नहीं पूरा साइड में। तो ये देखा, ओ हाँ, चेक करो, ओ सही है भाई। जहाँ से ले रहा वहाँ से निकल रहा गाड़ी, तब आपको रास्ता मिल जाएगा इसके बाद। तो निकला हम खत्म रास्ता, ऑफ रोडिंग करके अपना भाई फाइनली पहुँच चुका है चंपा सिटी रोड में। फाइनली अब हम निकल चुका है घर के लिए। बड़ा नाम है, तो देखते है कैसा लगता है बाइक। तो भाई को खरीदने के लिए बोला है, बाइक खरीदने का मैंने ये अपना खपल का जरिए मतिगढ़ा का उधर के शोरूम पे मिल जाएगा आपको। ये चेक करो दोस्तों, साउंड भी अच्छा है इसका। साउंड भी बड़ा अच्छा है यार। इसका आप चेक करो आगे का, दोस्तों मैं क्या अच्छा लगा मुझे, साउंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे, घूम घूम करके साउंड जो आता है ना, ये सही लगा मेरे को इसका। तो इसका आपको डिस्प्ले आगे डिस्प्ले दिखा देता हूँ, बड़ी थी तो सही है आगे का डिस्प्ले भी।